Thank you so much. You both are looking very beautiful in the video. Thank you so much. It is very hard to remove our eyes right now to both of us. Yes, from both of you. Thank you so much. Firstly, I would like to ask you the team members. Who all are the team members? बहुत सारे हैं actually. There are many because US की team अलग थी. इंडिया की टीम अलग थी. हमारी टीम भी हम लोगों ने मतलब कि पहले जो सॉन्ग है वो मैंने 70% यूएस में एज आप लोगों ने देखा है वो शूट कर लिया था. फिर बिकॉज आई वाज सर्चिंग आउट फॉर लाइक यू नो एक और एक दूसरी लड़की होनी चाहिए क्योंकि सिंस आप लोगों ने देखा डायरेक्शन भी मेरा ही था इसमें. तो मैं सोचती रहती थी कि अच्छा अभी किसको दिमाग में लगाऊं क्योंकि मुझे कोई सेकेंड गर्ल चाहिए ही चाहिए थी वो भी पैरेलल लीड में. रिचा और मैं हम लोग बहुत अरसे से दोस्त हैं लेकिन हमने कभी साथ में काम नहीं किया था. और मैं ऑलरेडी वर्ज पे थी, ढूंढ रही थी कि अच्छा ठीक है चलो अभी देखती हूँ कौन. तो मैंने एक दो अपनी साउथ की फ्रेंड्स को और एक दो यू नो लड़कियों को सिंगर्स को भी मैं सोच रही थी कि अच्छा ठीक है चलो दो सिंगर्स होंगी तो और भी मज़ा आएगा. बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है आई थिंक ये सॉन्ग की डेस्टिनी रिचा से ही थी. एंड कहीं ना कहीं आई एम सो ग्लैड क्योंकि इस सॉन्ग में जो रिचा का कैरेक्टर है उसके लिए बहुत ज़्यादा वैरायटी है. मतलब आप देखिए उसमें उनका डांस भी है, उनका सेडक्शन भी है, उनकी एक्टिंग भी बहुत ज़्यादा है. उसमें लड़के के साथ में जो सीन्स हैं वो मेरे तो हार्डली एक ही सीन है, उनके सीन्स बहुत ज़्यादा हैं. तो कहीं ना कहीं मुझे चाहिए था कि कोई भी इक्वली यू नो एक्टिंग में भी बहुत अच्छा हो और डांसिंग में भी बहुत अच्छा हो. और इस मुझे नहीं लगता कि रिचा से बेटर ये सारी चीज़ें कोई कर सकता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफ कैमरा बेशक मेरा रोल ज़्यादा हो बट ऑन कैमरा शायद रिचा का रोल ज़्यादा है. एंड आई एम रियली रियली ग्लैड फॉर दैट. एक्चुअली कोई जेलेसी नहीं है ना कि उनका सीन ज़्यादा है? मैंने किया है, मैं एडिट पर बैठी हूँ. अगर मैं एडिट पर बैठी हूँ तो मेरे अंदर जेलेसी होगी कहाँ से? फिर तो मैंने कट कर दिया होता ना सारे के सारे. कितने खूबसूरत शॉट आए हैं आप देखिए, रिचा कितनी अच्छी लग रही है उसमें. मुझे लग रहा है मेरे तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे शॉट्स कम है, रिचा के शॉट्स ज़्यादा है. बड़ा सी ऑनेस्टली मेरे अंदर तो कभी जेलेसी वाला फैक्टर ही नहीं है क्योंकि मेरा सॉन्ग है सिंस. लेकिन मुझे बेस्ट पार्ट रिचा के साथ में भी ये बात लगी क्योंकि ये बहुत मुश्किल होता है कि कहीं ना कहीं जो एक फीमेल है उसके अंदर वो इनसिक्योरिटी पॉइंट ना आए. और रिचा के अंदर जीरो इनसिक्योरिटी थी एंड दैट वॉज द बेस्ट पार्ट. और मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए उसके लिए ताली बजानी चाहिए. और गाने के कॉन्सेप्ट और उसके थीम के बारे में बताइए क्या कुछ गाने का. ओके, तो ये जो आप अभी जो आप इस पर देख रहे हैं, कैमरे पर देख रहे हैं और जो वीडियो में देख रहे हैं, ये सब मेरे साथ ओरिजिनली हो चुका था. बस डिफरेंस ये था क्योंकि जो आप अभी एंगेजमेंट वाला पार्ट देख रहे हैं, मैं सेकंड वाले जो रिचा प्ले कर रही है वो पार्ट मेरा था.
तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना, जब किसी के साथ इमोशनली वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो ये सेम ओल्ड लव यू हैव बीन गिविंग मी, सेम ओल्ड लाइज यू हैव बीन टेलिंग मी, क्योंकि मेरे साथ वही सब कुछ हो रहा था कि रोज़ ही रोज़ बातें होती थी, रोज़ ही रोज़ झूठ बोले जाते थे. तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो आई थिंक ऑलरेडी मेरे माइंड में बहुत, आई थिंक ये कुछ 2019 की बात होगी शायद, मेरे माइंड में ऑलरेडी हुक लाइन थी. फिर मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं. फिर पार्टी पार्टी आ गया, आप लोगों ने पता नहीं आप में से कितनों ने देखा है, डीजे ब्रावो के साथ में था, फिर वो गाना आ गया. फिर मेरा इस सॉन्ग पर ऑलरेडी फोकस था कि मुझे ये गाना करना है. फिर मैंने इस सॉन्ग पर काम करना स्टार्ट किया कि अच्छा लिरिक्स भी उसी तरीके के कैसे रोप इन हो सकते हैं एंड यू नो कॉन्सेप्ट कैसे आ सकता है. तो मैं अपने हर सॉन्ग को कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुलाइज खुद ही कर रही होती हूँ, क्योंकि उसी के साथ में मैं कंपोज कर रही होती हूँ साथ में. सो हाँ, मतलब फिर मैंने आई थिंक 2020 के कुछ सितंबर से इस सॉन्ग पर काम करना स्टार्ट किया था. फिर मैं US में थी अक्टूबर में, और अक्टूबर में जो आप जितने प्यारे प्यारे लीव्स देख रहे हैं और सारा जो खूबसूरत व्यू देख रहे हैं, वो US में ऑटम सीजन होता है. तो वो बचपन से मैंने एक आई डोंट नो आप लोगों ने वो सॉन्ग सुनाया था या नहीं सुना था, तुम ही देखो ना ये क्या हो गया, उस सॉन्ग की वजह से मुझे ये जो लीव्स थे वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे. और मुझे मेरे माइंड में था कि मैं कभी ना कभी किसी न किसी दिन इन वाले लीव्स के साथ में शूट करूँगी, और मुझे मैंने अपना ड्रीम कम ट्रू कर लिया. एंड ये जो आप टाइम स्क्वायर के जो शॉर्ट्स देख रहे हैं, ये रात को 2 बजे के शॉर्ट्स हैं. ये सारे के सारे हम लोगों ने 2 बजे से लेकर 4 बजे तक के बीच में शॉट्स लिए हैं, और कोशिश की थी कि जितने कम लोग यू नो वीडियो में दिखाई दे सकते हैं उतना अच्छा है, बट ये तो पॉसिबल नहीं, टाइम स्क्वायर है आफ्टर ऑल. तो ऑलमोस्ट 5 से 6 लोकेशन इसमें जो थी वो US की थी, बाकी हम लोगों ने इंडोर किया है मुंबई में, क्योंकि अदर गर्ल को भी आना था एंड हमारे जो यू नो मेल एक्टर हैं उनको भी आना था, सूरज को भी आना था. सो हाँ, दिस इज हाउ इट इज. ऋचा जी, आप क्या कुछ शेयर करना चाहेंगी? मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा. शिवांगी जैसे उसने बोला कि हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं, तो शिवांगी ने बोला मेरा एक सॉन्ग है जो मैंने खुद गाया है और कंपोज़ किया है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी इस वीडियो का पार्ट बनो. मैं तो हमेशा ही अच्छे मौके ढूंढती रहती हूँ, अच्छा मौका सामने आएगा तो क्यों ना किया जाए. और क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप इतनी पुरानी है तो ना बोलने का कोई सवाल ही नहीं था, और उन्होंने ऑलरेडी अपना पार्ट US में बहुत प्यारा शूट किया था, तो मैं आई कुड इमेजिन कि जब हम मिक्स एंड मैच करेंगे तो कुछ अच्छा होगा. और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट बोला जो आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा होता है, चाहे लड़कियाँ करें लड़कों के साथ, लड़के करें लड़कियों के साथ, हम उसके साथ यंगस्टर्स इसके साथ रिलेट कर पाएंगे. जनरली यही होता है, दो एक लड़का दो लड़की होती है, बट आजकल तो ऑपोजिट भी होने लगा है, लड़कियों के लिए बहुत अच्छा हो गया है. पता ही नहीं कितने लड़के कितने नहीं आजकल. तो बेस्ट पार्ट क्या हो गया कि आजकल हमने जो वीडियो में दिया ना उसका उल्टा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है. एवरीबडी इज डिचिंग एवरीबडी, सो दिस जनरेशन इज वेरी गुड एट डिचिंग, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट. सब खुश हैं, पहले सिर्फ लड़कियाँ दुखी होती थी ना कि हमारे साथ क्यों हो रहा है. ओह माय गॉड, यार हम लोगों ने ये सोचा भी है कि जनरली जब लड़की दो लड़कों को कर रही होती है तो गोल्ड डिगर और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, राइट राइट राइट, और जब एक लड़का कर रहा होता है तो हम ऑडियंस से पूछने वाले हैं कि लड़कों को आप क्या नाम दोगे, मतलब क्या एक्चुअली प्ले बॉय, यही तो, दिस इज रॉन्ग, नो नो नो, प्ले बॉय इज अ वेरी नाइस नेम, प्ले गर्ल इज अ वेरी नाइस नेम, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. तो कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने कहा चलो लेट्स डू इट. और लुक का एक्सपेरिमेंट, हम तो डिजिटल आजकल प्लेटफॉर्म इतना ज़्यादा एक्टिव हो गया, लोग इतना देख रहे हैं, तो हम चाहते थे डिजिटली. मैंने लुक्स पे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया नहीं है, तो थैंक्स टू शिवी, इन्होंने सब कुछ डिज़ाइन किया, इन्हीं का सब कुछ है, गाना, डायरेक्शन, एडिटिंग, एवरीथिंग. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, तो मैंने कहा चलो किया जाए. तो ये शिव कौन है जो आपके सेल पे जिसका कॉल आता है? ये जो इनके पर नहीं आता इनके पर नहीं आता है, वो सूरज के पे आता है, और वो ये पकड़ लेती हैं उसको, क्योंकि उन्होंने शिवी के नाम से फोन नंबर सेव नहीं किया, शिव ऑफिस के नाम से सेव किया है. सो ये शिव ऑफिस वो थे. तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि हम दोनों साथ में हैं और ये उनको कॉल कर रही हैं, बट जनरली लड़के जो हम आज भी करते हैं कि जो अपनी जो दूसरी गर्लफ्रेंड होती है उसका नंबर किसी लड़के के नाम से सेव कर लेते हैं प्रोफेशनली, तो वो कॉन्सेप्ट है. सबको आ रही ना हंसी, किस किस ने किया है, जैसे मेरे बाजू बैठे वो उधर बोल रहे हैं कि ओ शिट ये तो मैं भी करता हूँ. पापा टू पापा का कॉल आ रहा है.
ऑब्वियसली क्योंकि कंपोज मैंने किया है पहले, जैसे मेरी एक पुरानी आदत है कि मैं हुक लाइन पहले कंपोज कर लेती हूँ फिर धीरे धीरे जाके करती हूँ. तो पार्टी पार्टी जैसे ही मेरे ख्याल से शायद शूट ही किया था तो बहुत अच्छा खासा एंथ्यू चल रहा था अंदर, यूके में शूट किया था पार्टी पार्टी, तो अंदर अच्छा खासा एंथ्यू चल रहा था और उसी एंथ्यू में धीरे धीरे करके सॉन्ग कंपोज हो गया. और मेरे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरे ऑलमोस्ट 80% सॉन्ग्स जितने भी हैं वो अरेंज और प्रोग्राम किए हैं. अनफॉर्चुनेटली राज नहीं है अभी फिलहाल में, बट उनका नाम है निखिल कोटी भास्कर और बहुत ही कमाल का म्यूज़िक अरेंज करते हैं और प्रोग्राम करते हैं. तो उन्होंने किया ये अरेंजमेंट. बहुत सारे चेंजेस होते हैं. खैर जब मैं यूएस में बैठी थी तो मैं पूरी रात बैठ के जेट लैग में यही कर रही होती थी कि नहीं यार ये ठीक नहीं लग रहा, इसको और थोड़ा रिदम में लेकर आओ, इसको और थोड़ा सा ऐसे करो, ये इंस्ट्रूमेंट चेंज करो. तो आधा काम वो कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों का टीम वर्क बहुत अच्छा है. मेरा मैं कंपोज कर देती हूँ, वो यू नो अरेंज और प्रोग्रामिंग बहुत अच्छी कर देते हैं. देन फिर हम लोगों का मैंने डिसाइड किया कि अच्छा अब लिरिक्स किसको, क्योंकि ये सेम ओल्ड लव एंड सेम ओल्ड लाइज ये तो सब मैंने पहले कर लिया था, बट अब जो आपने जितना हिंदी सुना है सब धुआं धुआं था तेरा नशा, फिर उसके लिए हम अपने निखिल ने ही मुझे अपने एक फ्रेंड को सजेस्ट किया कि ये अच्छे लिरिक्स लिखते हैं, उनका नाम है शैंकी, और उन्होंने फिर उसके बाद में आधा काम उन्होंने कर दिया. तो दिस इज हाउ गाना पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ है. बाय द वे निखिल कोटी भास्कर एक ही इंसान है. हाँ, इन केस कंफ्यूजन हो जाए, नील नितिन मुकेश वाला. एज यू सेड दैट इसका मोस्ट ऑफ द शूट जो है वो यूएस में हुआ है, हाँ. तो वहां पे आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करी, बड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी या फिर बहुत सपोर्टिव लोग हैं वहां के इस शूट को लेकर के, या फिर क्या? लोगों से ज्यादा मौसम बिल्कुल सपोर्टिव नहीं है, बहुत ख़राब मौसम है. मौसम की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि मुझे जो जितने जो आप देख रहे हैं ये जो पत्ते थे मुझे इन पत्तों के साथ में ही इस फॉल सीजन के साथ में ही चाहिए था. प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी कि मैं जब जब सनी डे ढूंढती थी तो मेरे पास में DOPs नहीं होते थे. जब जब मैं DOP ढूंढती थी उस दिन जब आप क्लाइमेट चेक करते हैं तो उस दिन रेन हो रही होती थी. मैं इतनी परेशान हो गई. और फिर जब जब मतलब ऐसा हुआ कि उसकी ड्यूरेशन होती है ऑटम की ना, एक ड्यूरेशन होती है कि अगर आपने आज से 5 दिन बाद शूट किया तो वो जितने आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं वो सारा का सारा फॉल हो जाता है. तो मेरी प्रॉब्लम ये बहुत बड़ी थी कि कहीं ना कहीं यू नो ड्यूरेशन कितने, क्योंकि मेरे पास में अगर 15 दिन थे तो उन 15 दिनों में मैं कैसे DOPs और मौसम और सबको साथ में लेके आ सकती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. एंड लकीली पता नहीं फिर भगवान ने कुछ एक चमत्कार कर दिया कि जैसे मैंने परसों ये डिसाइड किया कि अच्छा आज कैसे भी करके कर लेते, वीकेंड भी पड़ा, DOP भी अवेलेबल हुआ एंड सनी मिल गया. तो आप जो देख रहे हैं वो सब कुछ मतलब बहुत, ये बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन लगता है, ये ऐसा 1 या 2 दिन में नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको क्लाइमेट चेक करना है पूरे रोज़ उठाकर बैठ जाओ कि अच्छा परसों क्या होगा, 1 हफ्ते बाद क्या होगा, 1 हफ्ते के बाद में क्या होगा. तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो लोगों ने सपोर्ट किया लेकिन मौसम ने बहुत परेशान किया मुझे. गाने में मोस्टली आपने आप ख्यालों में खोई हुई हैं, आपकी आंखें बंद है, तो क्या मतलब इस ख्यालों से बाहर भी निकला जा सकता है क्या, हमेशा उधर ही घूमते रहे? क्या है जब कोई आपका फोन ही नहीं उठा रहा है ना, आप किसी से इश्क में हैं, आप किसी से बहुत ज़्यादा प्यार में हैं और वो आपका फोन ही नहीं उठा रहा है, तो अभी आप क्या करोगे? आप सोचते ही रहते हो, यू नो बहुत बार आप सोच रहे हो कि क्या मैं कहाँ गलत हूँ और कौन क्यों मेरा फ़ोन नहीं उठाया जा रहा है. और क्योंकि आपने देखा इन द एंड उसमें एंगेज्ड है यू नो, और उस इन सारी चीज़ों के बाद में भी अगर नहीं फ़ोन उठा रहा है तो ख्यालों में ही कहूँगी ना परेशान हुए अंदर से बहुत ज़्यादा. उसमें सॉन्ग में यही दिखाया जा रहा है जो मेरे जनरल नेचर से बहुत ऑपोजिट है, क्योंकि मैं जनरल किसी के ख्यालों में खोती होती नहीं हूँ. तो बड़ा ये जो जनरेशन है भी इसी तरह का चल रहा है, इसी तरह से एंगेज्ड है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को इस तरह से बाहर निकलना चाहिए या आजू बाजू से? देखो यार क्योंकि मैंने देखा है और प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर एक डिचर है और दूसरा भी डिचर है तो बहुत मज़ा आता है, ठीक है, लेकिन अगर एक डिचर है और दूसरा इमोशनल है ना, तो ऐसे कंडीशन में जो इमोशनल है उसकी बहुत ज़्यादा मतलब वाट लगती है लिटरली अगर देखा जाए तो. वो बेचारा सो नहीं पाता, खा नहीं पाता, काम में फोकस नहीं कर पाता, क्योंकि उसको मतलब एक वो जो एक वैक्यूम हो जाता है लाइफ में. तो मुझे क्या लगता है कि गेम उनके साथ में खेलो जो आपके साथ में गेम खेल रहे हैं तो चलता है, लेकिन प्लीज़ किसी का ना दिल मत तोड़ो, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो कर्मा वर्मा आता ही है ना. सो इसलिए बेटर ये है कि प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि गेम अगर आपको प्ले करना है तो प्ले बॉय और प्ले गर्ल्स के साथ में आराम से करो, बट यार किसी का दिल मत तोड़ो, बस मेन बात यही है. आपने जिस तरह के गाने का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है जी, मतलब इस पे तो एक वेब सीरीज बनाई जा सकती है, तो क्या है इसके
ऑल्ट बालाजी के तो सारे वेब सीरीज ऐसे ही होते हैं, देख लो आप सुबह शाम वही चलता है। आज की जनरेशन में है ना वो बुरा कॉन्सेप्ट, ये तो है बस। नहीं मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा एक म्यूजिक वीडियो और किया जा सकता है, पार्ट टू होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ज्यादा से ज्यादा पार्ट टू कर सकती हूँ, वो भी मुझे मतलब अगर लगा तो, अदरवाइज मुझे लगता है इस गाने में जो मैसेज मिलना था वो मिल गया। आपके जो मेल एक्टर हैं ये आपसे नाराज नहीं है क्या कि आपने मुझे मतलब मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ सबसे ज्यादा, मैं ही खेल खेल रहा हूँ और फिर उसके बाद आपने मुझे सिर्फ बस आप देखिए उन्होंने कितने कमाल के एक्सप्रेशंस दिए हैं, जो उनका ये वाला जो लुक आ रहा है ना द साइड वन, मुझे एग्जैक्टली वही ही चाहिए था जो उन्होंने मुझे दिया है। शिवी का एक्चुअली मेन कॉन्सेप्ट ये था कि एंड ऑफ द डे वीडियो लड़कियों का है, भले ही लड़का लड़कियां कोई भी काम करती है तो एंड ऑफ द डे अपने आप को ही दिखाती है ना। तो हमने वीडियो में अपने आप को ही दिखाया है। अच्छा उसके लिए भी मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से शायद 3 से 4 लड़कों का ऑलमोस्ट ऑडिशन टाइप का किया, कुछ कुछ लड़कों के फेस बहुत इनोसेंट थे तो मैंने बहुत क्लियरली उनको बोला यार आई एम सो सॉरी बट प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे चेहरे पर इतना इनोसेंस है कि वो मुझे मेरे वीडियो में काम ही नहीं आएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए कि ना लड़का थोड़ा डिचर लगे, ऐसा नहीं कि हाय ये तो कभी चीट कर ही नहीं सकता, वैसा नहीं चाहिए था। तो लकीली सूरज फिट हो गया, ही इज लुकिंग नाइस, मतलब जो जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। धोखेबाज फिगर चाहिए था आपको। हां बिल्कुल आपके जैसा, सही बोल रहा हूं, बहुत ही बढ़िया बोले आप, एक नंबर एक नंबर। मैम लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है आप लोगों के तो शेयर कर सकती हैं? अच्छा ये इनका अपकमिंग है मेरा अपकमिंग है, हम दोनों का साथ में अपकमिंग, देखो आज तो रिलीज है पहले, अब हम बैठ के सोचेंगे अपना इंडिविजुअल बता लें। मेरा तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि या तो मैं अभी पंजाबी नंबर करने के थोड़ा सा मूड में हूँ या मैं रोमांटिक नंबर करने के, तो मैं दोनों में से थोड़ा इवैल्यूएट करूँगी कौन सा ज़्यादा अभी सिचुएशन है, ज़्यादा लोग प्यार मोहब्बत वाले में जोन में भी ज़्यादा हैं या शादी वादी करेंगे और पंजाबी टाइप के उसमें। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं शायद उसी पर फोकस कर रही हूँ फिलहाल, थोड़ा पंजाबी टाइप लेकर आती हूँ ना, थोड़ी वैरायटी और दिखाऊँ ना अभी अपने म्यूजिक में। मुझे तो लगता है आप कुछ भी करेंगे धमाल ही होगा। अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपके मुँह में घी शक्कर। मैं तो सिंगर तो हूँ, मेरा कोई गाना एज ए सिंगर तो सिंगर है कंपोजर है, मैं तो एक्टर हूँ, तो मैंने 2-3 प्रोजेक्ट्स किए हैं और कल मेरी एक पॉकेट फिल्म की शॉर्ट फिल्म रिलीज हो रही है और बहुत सारे किए हैं। लेट्स सी, देखते रहिए, अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो फॉलो करके देखते रहिए जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे। एक तो ना आजकल क्या प्रॉब्लम हो गई है, पहले कुछ चीज़ बोल दो ना फिर वो काम होता ही नहीं है, आपके साथ भी होता ही होगा, तो एक नहीं बोलने की आदत होगी, जब रिलीज होगा तब आप देख लेना जैसा हो गया। क्यों नहीं आता, आपने बोला है तो अभी हम करते रहेंगे। बस मतलब अच्छा, हम दोनों अच्छे लग रहे हैं ना, बस फिर तो आता रहेगा। बहुत बड़ा है, हम लोग गए साथ में, हमने दोनों ने साथ में शॉपिंग की, आज सुबह सुबह फोन पे कहा क्या पहन रहे हो, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है आज, बस हो गया पता नहीं कैसे हो गया। इन्होंने मुझे 1:30 बजे कॉल किया और ये मेरे को बोलती है कि वो ब्लैक, जो कल ये कुछ बता रही थी कि ब्लैक पहनने वाली हैं, तो मैंने कहा कि ठीक है पहन लेना, हम मैं वाइट पहनूँ या ब्लैक पहन लेना, तो 1:30 बजे कॉल करती, मैंने कही तो आपने बहुत जल्दी कॉल कर लिया 1:30 बजे अगर कॉल किया है तो इस हिसाब से, तो फिर बट शी सेंट मी सम ऑफ द क्लोथ का पिक्चर, मैंने कहा परफेक्ट है पहन लो क्योंकि मुझे तो पता था मैंने क्या पहना है। मतलब इट्स अ कोइंसिडेंस, कुछ हमने प्लान ही नहीं किया, बस हो गया हो गया। जैसे आपने देखा, आपने वीडियो में भी देखा हमने कितना कोऑर्डिनेशन किया है कॉस्ट्यूम्स के साथ में, ब्लैक पे ब्लैक पहना और वो जो एक यू नो ग्लिटर वाली कॉस्ट्यूम थी वो पे वो पहना, तो हमने बहुत, मैंने बहुत दिमाग लगाया है सारी चीजों पे, ऐसे नहीं है। रील से कम खूबसूरत आज आपके ड्रेस नहीं है। थैंक यू क्या बात है क्या बात है। गाने के दो लाइन हो गए, फ्लैटर ब्रेक कर, गाने के दो लाइन ब्लैक से वाइट, राइट ओके, गाने के लाइन हुक लाइन गा दूं। हां द सेम ओल्ड लव यू हैव बीन गिविंग मी, the same old lies you've been telling me, the same old love you've been giving me, the same old love, the same old lies, the same old lies you're telling me. Okay, thank you. Thank you, man. Thank you.